वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। टुडे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान की जो 3000 की कोऑपरेटिव की वैकेंसी आने वाली है, कितनी 3000 की घोषणा हो चुकी है पहले। उनमें दोस्तों अभी आपके 551 पदों पर राजस्थान कोऑपरेटिव बैंकों में जो वैकेंसी आएगी वो कितने आएगी, 551 पदों पर। ये आज की न्यूज़ है दोस्तों, 11 दिसंबर 2022 की न्यूज़ है। और दोस्तों क्या न्यूज़ है, ये केंद्रीय सहकारी बैंकों में 551 पदों पर भर्ती की जाएगी। विज्ञप्ति जल्द जारी करेंगे, यानी विज्ञप्ति आने वाली है। और क्या क्या दोस्तों इसमें आपके अजमेर से प्रकाशित, ये केंद्रीय सहकारी बैंकों में कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट पोस्ट, दूसरी का प्रबंधक एवं बैंकिंग सहायक, तीन प्रकार की पोस्ट यहाँ पर आने वाली है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रबंधक एवं बैंकिंग सहायक के रिक्त पदों पर 551 पदों पर भर्ती की जाएगी। रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रत्नू ने कहा कि इस भर्ती के लिए विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड, कौन सा बोर्ड है, राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड को बैंकों की रिक्त पदों भर्ती के लिए सूचना भेजी जा चुकी है। यानी सब काम कंप्लीट है दोस्तों, आपका टोटल काम कंप्लीट है। बस जो राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड है उसको आपको टोटल अभ्यर्थना भेज दी है। अब ये बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा, और जैसे विज्ञप्ति जारी की जाएगी तो आप सबको पता है दोस्तों, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देता है, लगभग 2 से 3 महीने मान लो, 2 से 3 महीनों में पूरी प्रोसेस हो जाती है। क्योंकि पिछली भर्ती आई थी दोस्तों, ये उनमें दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी आई थी, कितनी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी आई थी उसी प्रकार ये वैकेंसी रहने वाली है। ये आपके दोस्तों इनमें इनकी जो नियुक्तियाँ हैं, कृषि मंडियाँ, उनके अलावा आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, कौन सा हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहाँ पर सभी की इनकी नियुक्ति की जाएगी। और दोस्तों अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।